आमिर, चल बेटा चल के सो जा। चार दिन हो गए तो सोया नहीं है, थोड़ा सा सो ले। अब नींद किसे आती है? बेटा नींद तो कांटों के बिस्तर पे भी आ जाती है। सही कह रही हैं। अम्मी, आप ही को कॉल कर लीजिएगा, उनकी खैरियत मालूम कर लीजिएगा। अभी अभी नहीं करूंगी कॉल, हसन नाराज हो जाएगा, कहेगा इतनी रात को कॉल कर ली। ठीक है, लेकिन प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं कर लूंगी, अब तू चल और चल कर सो जा। हाँ मैं वो ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। इतने सारे पैसे? जी, भाई के पैसों में से बच गए थे। हाँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे के दर्जात बुलंद करना। आमीन। आमीन। चल, चल बेटा। सो जाता हूँ, आप जाके आराम कीजिए। क्या हो रहा है बहन? बर्तन धो रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? वो आज सुबह हम बैंक गए थे काम से, पीछे जो मार्केट है ना, वहां क्या उम्दा और आला किस्म की मछली आई हुई है। आहा, इतनी ताजा कि आंखें चमक रही थी मोती की तरह। तो मुझे क्यों बता रही हो, खरीद लेती ना। भाई हमें तो पकाना ही नहीं आता, हम लेके क्या करते भला? तो ये कहां लिखा है कि जिसे पकाना आता है सिर्फ वही खाने की चीजें खरीद सकता है? और अगर ऐसा है भी तो जिसे पकाना नहीं आता वो खाता ही क्यों है? अरे बहन, हम तो आपकी मालूमात में इजाफा कर रहे थे, आप तो बेवजह ही खफा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मालूमात देने का। वैसे बहन यकीन जाने मछली खाए जमाने हो गए, बहुत दिल कर रहा है। तो रो क्यों रही हो, मंगवा दो, बना दूंगी। अच्छा, हम सोच के जवाब देंगे। सोच के जवाब देंगे। आमिर, आमिर, आमिर उठ जा, दिन के 12 बजने वाले हैं बेटा। 12 बज गए अम्मी, और आपने मुझे उठाया नहीं। अरे उठा तो दिया, और कैसे उठाऊं? अब्बू कैसे हैं? तेरे अब्बू वैसे के वैसे ही हैं। आप ही से बात हुई आपकी? क्या बात? वैसे ही हाय हेलो। कॉल की उन्होंने आपको? नहीं, फोन तो नहीं आया। आना था फोन क्या? नहीं, बस वो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं प्याज रख कर आई थी, वो जल ना गई हो। मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ हसन, कुछ दिनों के लिए तुम दुबई चले जाओ, फ्रेश हो जाओगे। हंस क्यों रहे हो, मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया?
हम दुबई चला जाऊं, वो भी एमन के साथ घूमने। वो मुझे यहाँ तो कहीं लेकर नहीं जाती है, रूम से बाहर लाने तक में मॉम जान निकल जाती है उसकी, और वो दुबई में घुमाएगी मुझे। हाँ, अगर जाना ही है तो बीना के साथ जा सकता हूँ मैं। What? बीना के साथ? उसकी इतनी औकात है कि वो दुबई जाएगी? मॉम प्लीज, जिस तरह एमन हसन की बीवी है उसी तरह बीना भी हसन की बीवी ही है। अरे तुम तो रात को जाने वाली थी, तो अभी तक गई क्यों नहीं? वो मैं तो जा ही रही थी। लेकिन हसन ने रात को रोक लिया। ये कह रहे थे कि रात रुक जाओ, सुबह चली जाना। हाँ तो जाओ भाई, और जितने दिन चाहे रहो, अपनी अम्मी के घर आराम से रहो, टाइम गुजारो। हसन की फिक्र नहीं करना, यहाँ एमन है उसका ख्याल रखने के लिए। मैं बस एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, अगर मौका लगे तो आते जाते चक्कर लगा लेना। हाँ हाँ जरूर। अपनी नींद पूरी करना और मेडिसिन टाइम से लेना, समझी? ठीक है, लाफिस। आप तो खुश हो रही होंगी ना, अपनी माँ के चली गई है। मेरा तो दिल चाहता है कि सारी जिंदगी अपने माँ के घर पे ही रहे। बेटा और चाय दूं? नहीं अम्मी, मैं काम से जा रहा हूँ। अच्छा सुने, वो जो धोबी से कपड़े धुल के आए थे वो आपने कहाँ रखे? तेरा कमरा तो रहा नहीं, तो मैंने अपने कमरे में रख दिए। ठीक है, जा कहाँ रहा है ये तो बता। अबू के जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनमें से खत्म हो गया, उन्हें रिफिल करवाना है। और आती हुई एक नर्स को भी लेके आऊंगा, मुझे लग रहा है कि ड्रिप में कुछ प्रॉब्लम है। चल ठीक है, पैसे चाहिए तुझे? नहीं अम्मी, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं हम लोगों के लिए एक रेंट पे घर देख रहा हूँ। फिलहाल तो इंटरनेट पे देख रहा हूँ, जब कोई अच्छा मिलेगा तो जाके देख लूंगा। बेटा क्या जरूरत है, यहाँ ठीक तो है हम। अम्मी आप ठीक हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं चौराहे पे सो रहा हूँ। सलमान कुछ दिनों में चला जाएगा तो रिजवान का कमरा ले लेना। नहीं अम्मी, वो फिलहाल नहीं जा रहे, दो जमीनों का NOC का प्रॉब्लम आ गया, और आप तो जानती हैं ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में कितना टाइम लगता है। तो एक काम कर, सलमान के साथ कमरा शेयर कर ले, और वैसे भी वो है तो नहीं यहाँ पे, तो रात को जाके वहीं सो जाना। उनका वहाँ सामान पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लगता। चंद दिनों की बात है, फिर वो चले जाएंगे, फिर देख लेंगे। चल ठीक है, चले मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। आप भी बीपी की मरीज हैं, ज्यादा टेंशन मत लिया करें। मैं भी इन्हें यही समझाता हूँ। खट्टी मीठी लव स्टोरी देखिए आज रात 9 बजे। ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ आमिर, अबू कैसे हैं? वैसे ही है तेरे अबू, खामोश। उन्हें देख देख के तो मेरा दिल कटता है। आप भी अपना ख्याल रखा करें अम्मी, आप भी बीपी की मरीज हैं, ज्यादा टेंशन मत लिया करें। मैं भी इन्हें यही समझाता हूँ, मगर ये भी बेचारी क्या करें, अबू को देख देख के रोती रहती हूँ। Too bad, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं चाय नहीं पीऊंगी। अच्छा फिर ये बता कि क्या खाएगी, मैं अभी खाना ही बनाने जा रही थी। कुछ भी बना ले अम्मी, मैं कोई दावत पे थोड़ी आई हूँ। बता दें आप ही, वरना अम्मी पूछती रहेंगी आपसे बार बार। मुझे वाकई भूख नहीं है, कुछ भी बना ले अम्मी।
मैं जरा अब्बू के पास जा रही हूँ। कैसे दिल लगेगा अपने घर में इसका। बाप की लाडली जो है, अब बाप भी इससे बहुत प्यार करते हैं। बेचैन होकर आ गई, हर गम के साथी है हम। मेरी आप ही बहुत नेक है, अल्लाह पाक उनको हिम्मत और जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा आमिर, मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, तू जरा नर्स को दोबारा फोन कर दे कि वो आ जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आमिर बात कर रहा हूँ जी, आपका वेट कर रहे थे। ठीक है आ जाए। ओके अल्लाह। इतनी आदत हो गई है मेरी। आदत नहीं, मोहब्बत। आप सच कह रहे हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, हसनाओं को बीना से मोहब्बत हो गई है, शदीद मोहब्बत। Yes. आंटी, मुझे बीना को जल्द से जल्द इस घर से निकालना। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर तुम में इतनी पोटेंशियल कहाँ कि तुम ये सब कुछ कर सको। आंटी आप जो कहती हैं, जैसा कहती हैं, मैं वही तो कर रही हूँ, और क्या करूँ। फिर एक काम करो, हसन के दिल में अपनी जगह बनाओ, उसके बाद मेरा काम है। यही तो सबसे मुश्किल काम, हसन के सर पे वो बीना सवार। एंड सॉरी टू से, मगर हसन की नजर में मुझे गंदा करने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम उसके दिल में अपनी जगह बनाओ, तुम देखना बीना को वो निकाल देगा, धक्के दे देकर इस घर से निकाल देगा। लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी आंटी। बीना आजकल अपनी माँ के घर गई है, और ये बेहतरीन मौका है उसकी एब्सेंस में हसन को शीशे में उतार लो। वही तो मैं पूछ रही हूँ आंटी, कैसे। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, और खासकर तुम उसकी बीवी हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हसन को कैसे मोम किया जा सकता है। शादी से पहले तो तुमने बड़ा जाल में फंसाया हुआ था उसे, अब क्यों तुम्हें इतनी मुश्किल पेश आ रही। लोहा गरम है, चोट मार दो। बीना इस घर से जाएगी तो तुम भी इस घर से जाओगी। अमन, तुम्हें भी निकालूंगी मैं इस घर से, और उसके बाद अपने हसन के लिए अमीर तरीन खानदान की बहू लेकर आऊंगी, जो अपने साथ बेशुमार पैसा, स्टेटस, बिजनेस लेकर आएगी।
और फिर हम लोगों का भी इस शहर के अमीर कबीर लोगों में शुमार होगा।